हेलो फ्रेंड, मैं दीपिका। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए आज एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है आमले का मुरब्बा। तो चलिए हम आमले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। किस टाइप का बनाया जाता है, ओवर नाइट इसको हम भिगो के रखेंगे पानी में डुबो के। तो इसको हम ओवर नाइट इसको हम पानी में डुबो के रखे थे, और इसको हम फोक लेंगे। इस फोक के द्वारा इसको हम इस तरह से छेद कर लेंगे, और छेद ताकि जितने मेरे जैसे चाशनी बनाएंगे पूरा चाशनी अच्छे तरह से मेरे जो आमले हैं उसके अंदर अंदर तक इसका रस जो अच्छे तरह से इसमें समा जाए। तो इस तरह से हम पूरे आमले को इसी तरह से फोक से के द्वारा पूरा हम इससे फोक कर ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसमें पूरे में छेद कर दिए हैं। ये मेरा करीब 600 ग्राम यही है आमला है। ये पके टाइप का लिए है, थोड़ा पका हुआ ये। और इसमें हम ऐड करेंगे ये जो मिश्री है, हम इसमें मिश्री ऐड करेंगे। ये है 600 ग्राम आमला मेरा। आधा किलो के हम ये ले लिए मिश्री, ले लिए धागा वाला मिश्री है। ये बेस्ट होता है बिना केमिकल का। इसका जो ये चाशनी बनाएंगे उसका कलर भी इसमें परफेक्ट आता है। जिसको हम एक ग्राइंडर में इसमें हम एक स्मूथ पाउडर बना लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस में यहाँ है हम पैन चढ़ा लिए हैं। इसमें 1.5 लीटर के करीब यहाँ पानी डाल दिए हैं। पानी हल्का गर्म हो चुका है, उबलने वाला है। यहीं पर हम जो आमला को रखे थे इस आमला को इसमें छोड़ देंगे। तो पूरा आमला यहाँ पर हम डाल दिए हैं। इसमें हम हाई फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने दे रहे हैं। तो पानी में उबाल आ चुका है, इसको ढक के हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन को हटा के इसको चला ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, आमला का कलर चेंज हो चुका है, ये हल्का गल भी चुका है। देखिए कितना इजी से फोक जो है इसमें घुस जा रहा है। देखिए इसको हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आमला जो है, आमला का जो आमला हल्का फट चुका है। इसमें हल्का चारों तरफ में जो फट चुका है, इसमें अच्छे तरह से हमारा जो ये है चाशनी। इसी प्रोसेस में आप गैस का फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, और इसको पानी से निकाल के थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हम आमला को निकाल लिए हैं। यहाँ पर गैस को हम ऑन करके वो कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा ले रहे हैं। तो कढ़ाई में हम जो मिश्री है उसको हम देखिए पाउडर बना लिए हैं, इसको हम मिश्री पर डाल दे रहे हैं। तो मिश्री को हम मिला के इसमें हम आमला को यहीं पर डाल देंगे। डाल के इसको इसी तरह से मिला लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड, चीनी मेल्ट हो रहा है। इसमें हम आधा कप के करीब यहाँ पानी हम ऐड कर देंगे, ताकि अंदर से जो मिश्री है वो जैसे चिपके ना। तो उसको फ्लेम को एकदम लो में रखेंगे, और इसको हमको इसी तरह से मिलाते रहना है, इसी तरह से चलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड, मिश्री पूरा मेल्ट हो चुका है, इस पूरा चाशनी में आ गया है। जिसको हमको लो फ्लेम में 30 से 40 मिनट तक किसी तरह से हमको इसको पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट में हो चुका है, चाशनी में उबाल आ चुका है। यहीं पर हम ढक्कन को ढक के इसको हम 30 मिनट तक किसी तरह से हमको छोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो चुका है, हम आप लोग को निकाल के दिखा दे रहे हैं कि 15 मिनट में ये कितना अच्छे तरीके से इसका कलर आ चुका है। कितना अच्छे तरह से देखिए हमारा जो आमला है पूरा कितना अच्छे तरह से जूसी बन चुका है। और इसको 15 मिनट तक हमको छोड़ने के रखने से इसी तरह से और इसका जो ये है चाशनी है वो अच्छे से और इसका अच्छे अंदर तरह तक जाए, इसका कलर और निकलेगा। तो इसको हम और 15 मिनट की तरह इसी तरह कवर करके रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड, 40 मिनट हो चुका है, हम निकाल के देख रहे हैं। तो देखिए वाह, कितना खूबसूरत कलर आया है,
पूरा आंवला एकदम जूसी बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और देखिए पूरा परफेक्ट कलर आया है। ये दो तीन दिन के बाद तो इसका पूरी तरह से इसका कलर नेचुरल एकदम कलर है। जो आंवला का मुरब्बा होता है वो पूरा उभर के आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखे हैं काली मिर्च, काली मिर्च रखे हैं, इसको हम थोड़ा सा डाल देंगे। ये रखे हैं हम काला नमक, इसको इसीलिए डाल रहे हैं फ्रेंड क्योंकि इसमें खट्टा मीठा थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इसीलिए यहाँ पर हम डाले हैं इलायची पाउडर, इलायची पाउडर है, उसको भी हम डाल के अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड हम मिला लिए हैं, इसको हम रेस्ट के लिए आधा घंटा इसी तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए हम इसको आधा घंटा इसी तरह से छोड़ देंगे, आधा घंटा के बाद आपको दिखाते हैं क्या पूरा आंवला किस तरह से बन के तैयार हो चुका है एकदम मुरब्बा। तो फ्रेंड आधा घंटा हो चुका है, देखिए हम उसका कवर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत मेरा मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड ये इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन सी मिलता है कि दिन भर में एक खा जाने से पूरे शरीर में तरोताज़ा विटामिन और इम्यूनिटी भरपूर मात्रा में मिलता है हम लोग को। तो ऐसे आप अपने परिवार को इसी तरह से आंवला का मुरब्बा बना के आप साल भर स्टोर कर सकते हो और इसको खा सकते हो। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना रसीला, कितना यम्मी मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसको बोल में निकाल ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड बोल ले लिए हैं, यहाँ आंवला कंडी को कैंडी सॉरी मुरब्बा को हम निकाल ले रहे हैं। आई होप मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो हम आंवला कैंडी का रेसिपी भी आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो देखिए फ्रेंड आंवला मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। देखिए आंवला पूरी तरह से चारों तरफ से इसका जो ये है छोड़ चुका है, इसमें इसका जो चाशनी है मिश्री का पूरे भरपूर तरीके से इसमें समा चुका है। ये खाने में बहुत टेस्टी और लाजवाब लगता है फ्रेंड। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।